शरद बाबू गोटे शब्द कहते जे भारतीय लोक माने ओडिशार लोक माने टिके विरती देइछंती। देखंतु गोटिए कथारे मु सहमत, राजनीति रे गोटिए दल जितुची माने जितिबो आ गोटिए दल हारुची माने हारिबो एमिति किछि तर्क नाही। जो दल हारिची से परवर्ती समय रे जीति पारे, जेहेतु शरद बाबू कांग्रेस रा जने वरिष्ठ नेता तांकर अपेक्षा रहिबो, तांकर आशा रहिबो, कारण से लढ़ई रे अछंती। कांग्रेस पुणी बाउंस बैक करिबो, 20 वर्ष हला परे भी पुणी कांग्रेस आउ थरे ऊपर को उठिबो। एई जो शरद बाबूंकर सकारात्मक चिंता रही, ये असंभव नुहे, हे भी पारे, तार अपर दिगटा है न हे भी पारे। मते जने राजनैतिक विश्लेषक भावरे जेतबले मु प्रसंग को देखुची मते किछ तथ्य आधार रे जीवाकू पड़िबो। मते सारा भारतर स्थिति आउ ओडिशार स्थिति को आलोचना करबा पई पड़िबो। ओडिशा पाखरे हला पश्चिमबंग, एथिरे सीपीएम दीर्घ वर्ष धरिकी बीजेडी भलिया शासन कला, बेंगल रे ममता बनर्जी, कांग्रेस रा ब्रेकवे ग्रुप, आंकर उत्थान हबा पूर्वरु कांग्रेस सीपीएम सांगरे हारिला सिना, हेले 32-33% भोटरु केबे तळुकु गला नाही। लगातार धरिकी कांग्रेस पश्चिमबंग रे सक्रिय विरोधी दल भाव 25 वर्ष काल बंचिकी रहिला, किंतु शरद बाबू को किछु तथ्य आधार रे आज आम वितर्क करिबा। बिल्कुल आपण शरद बाबू को सहित काहीं की मानु नांती, काहीं की मानु नांती बोली आपणक गोटे पक्ष रखिबा पई चाहुथिले। अपूर्व बाबू मु आपणक माध्यम रे शरद बाबू को किछि तथ्य दउछ। शरद बाबू गोटे कथा थरे आपण विचार करंतु, 95 मसीह रे आपण 80 सीट पाइले, 38% भोट पाइले। आपण 2000 मसीह रे हारी गले, ये राजनीति रे थरे जितिबे थरे हातिबे, ये तथ्य को तो कुहा जाई पारे, किंतु मु 2004, 2009, 2014, 2019 रो जति बोले मु तथ्य को हिसाब करिवि, 14 मसीह रे 33%, 9 मसीह रे 29%, 14 मसीह रे 25%, 19 मसीह रे 16% रु ऊपर 17% रु तळे 17% धरि दबा, 4-9 भितरे -4, 9-14 भितरे आउ -4 हे गला 8, आउ 14-19 भितरे आउ 8, ये 16% रो वोट जदि 4 मसीह रु 19 मसीह भितरे आपण पछ को जाइछंती। बिल्कुल मते थरे 95 मसीह को आउ 95 मसीह पूर्वर स्थिति को थरे शरद बाबू आपण को पाखरे जने राजनीतिक विश्लेषक भाबरे मु एनालिसिस करबा पई चाहुची। ए वितर्क रे बोधे रविदा मु दि जण रहिबार थेलु सांबादिक, आमे पक्ष नुह कि विपक्ष नुह, सत्य होउची जे 95 मसीहा पूर्वरु ओडिशा राजनीति रे बीजेपी इनकनसिक्वेंटल थिला, बीजेपी अच्छी बा न अच्छी तार किछ मतलब नथिला। 95 मसीहा रे बीजेपी 7.5% वोट पाइकी ये गोटिए राजनैतिक शक्ति भावरे निजर प्रेजेंस को केवल देखेला। ये 95 मसीहारु 2019 मसीहा भितरे विधानसभा रे बीजेपी रो वोट 32% रे पहुंचिला, आउ कांग्रेस रो वोट आ भितरे कमी की 17 रे पहुंचिला। जदि मु हिसाब करबी -4, -4, -8 आ परे -16 हबा परे बीजेपी 2 नंबर 3 नंबर रु 2 नंबर को हबा परे कांग्रेस मुख्य विरोधी दल रु हटी की एकक संख्यार विधानसभा रे दल हबा परे आउ आशा न करा जीव मु कहि पारिबि नै, कांग्रेस बाउंस बैक करि पार करिबो नाही हुए नाही एमिति तर्क मु देई पारिबि नाही, किंतु जो ट्रेंड कहुची ये ट्रेंड रे संभावनार जदि मु परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हिसाब करी आशा टिके कम लगे। अच्छा। शरद बाबू आशा न रखिबे मु कहूनी, किंतु आशा कम लगे। आउ गोटे भीषण तथ्य मु दउची जे 19 मसीहा लोकसभा निर्वाचन रे बीजेडी को मिलला 91 लक्ष, बीजेडी को मिलला 17 लक्ष वोट, अच्छा बीजेपी को मिलला 91 लक्ष वोट, आउ कांग्रेस को मिलला 32 लक्ष वोट। जदि ये जदि परसेंटेज रे हिसाब करिवा बीजेडी रो 43,
ବିଜେପିର 33-38 ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ହେଇଗଲା 13%। ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କଂଗ୍ରେସର ରିଭାଇଭାଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ, ଇଏ ଆହ୍ୱାନ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଇଏ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରି କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିବ, ତାର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଲୋକ ବିରତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣିବେ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପାର୍ଟିୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ସିଧା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥାଏ, ଏ ପାର୍ଟି ନଥିଲେ ସେ ପାର୍ଟି ହୁଏ, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଦୁଇମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ନାହିଁ। ଶରଦ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯୁବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ତିନି ପାର୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତିନି ପାର୍ଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ପୋର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି। ଆ ଭିତରେ କେମିତି କଂଗ୍ରେସକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବେ, ଇଏ ଶରଦ ବାବୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ବଟ୍ ଆହ୍ୱାନଟା ବଡ଼ ଅଛି, ତାର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିରତି ତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ।